ये है दिगी ब्रिज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए और हम आज है श्रीवर्धन में, यहाँ जो मेरा सामने जो दोस्त दिख रहा है उसके ससुराल में एक फैमिली फंक्शन के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, क्योंकि फंक्शन शाम का है तो दिन भर क्या करें। ये है सब मेरे दोस्त लोग। अजय देख रहा है, देखो कैसे तो पार्टी है। हाय करो, सब लोग हाय करो, सब लोग हाय करो। यस यस, हाय। बढ़ाता हूँ ना। हाँ करता हूँ। ये है गांव का मेन रोड जहाँ से एसटी चलती है। देखो गांव के मेन रोड के बाजू में ही देखो मिट्टी का घर। इस तरह के घर एक्चुअली आज मतलब बहुत कम देखने मिलते हैं, जो मतलब मिट्टी के और बाहर ये मस्त आंगन बना के रखा हुआ है, उसको क्यूट लगता है बहुत। तो हम लोग एक्चुअली अभी प्लान बना रहे कहीं घूमने जाने का, पर अभी कैसे जाए और किधर जाए, मतलब टमटम करे बस से जाए और कहाँ जाए, बस थोड़ा डिसीजन पे आ जाते हैं, देखते हैं। यस, तो फाइनल डिसीजन आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं इस बस से। तो ड्राइवर साहब थोड़े बाहर जा रहे हैं, एक बार ड्राइवर साहब को आने दो, फिर हम लोग थोड़ा घूम के आ जाएंगे और आपको भी दिखाता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो। मीनवाइल आप थोड़ा ये गांव का व्यू देख लो आजू बाजू में, ये देखो बहुत खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे इस गांव में मैंने फर्स्ट टाइम बंगलोज भी देखे और रो हाउस भी देखे, और उसी के साथ में जो मड हाउस होते हैं वो मड हाउस देखे। तो गाँव के अंदर अमीर से अमीर आदमी भी है और गरीब से गरीब आदमी भी है, और बहुत खूबसूरत गाँव है। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों का तो मतलब अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे पास में ही समंदर है और फिश तो और क्रैब्स तो पूछो मत, मतलब एकदम मतलब फ्री के रेट में है। और उसी के साथ में एक साइड में ये बड़ा सा पहाड़ पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, क्योंकि अभी बस बारिश ख़त्म ही हुई है, बारिश का सीज़न ख़त्म हुआ है, तो पूरा पहाड़ जो है वो पूरा ग्रीन ग्रीन है। तो अच्छा है ना, एक जगह पे पूरा समंदर की हवा और एक जगह पे पूरा का पूरा ये पहाड़ की हवा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी ड्राइवर साहब आ गए और हम लोग भी अभी सोच रहे हैं कि निकल जाए करके, तो अभी देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। बस के अंदर बैठने के बाद में डिसाइड कर लेंगे कहाँ निकलना है। प्रॉबेबली समंदर पे जाने का आइडिया है, पर देखते हैं कौन से बीच पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बीच है आजू बाजू में। अजय, हम लोग आ गए हैं इस वक्त, एक उनका रिलेटिव है मेरे दोस्त का, उनके घर के यहाँ पे ही आए हैं। तो ये देखो लेफ्ट साइड में उनका घर है और ये लेफ्ट साइड में उनके ही घर का आंगन है, और राइट साइड में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। ये देखो कौन सा बीच है, मैं आपको बीच पे जाके दिखाता हूँ। मीनवाइल हम लोग ज़रा इनके रिलेटिव के घर पे पानी भी नहीं पीते, ज़रा चाय भी पीते और उसके बाद में थोड़ा कूल होके फिर बीच की तरफ निकलते हैं और थोड़ा बीच एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो गांव का नज़ारा भी एक नंबर। ये देखो सामने कितना खूबसूरत समंदर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। यो कानू की खुशी देखो, समा ही नहीं पा रही है। बहुत सही लग रहा है। टोटली अनएक्सप्लोर्ड है। इस बीच पे मतलब आज बाजू में ही गांव बसा हुआ है यहाँ पर, और इसके बावजूद मतलब गांव के लोगों को तो अभी मतलब क्या वो रोज़मर्रा का हो गया, तो उनको तो अभी इस बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर हमारे जैसे टूरिस्ट लोगों के लिए ना ये बीच काफ़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि बिल्कुल गर्दी नहीं है। देखिए ना, पूरे बीच पे एक आदमी तक नहीं दिखेगा हमारे अलावा। तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, ये देखिए, ये है दिगी ब्रिज। मुंबई से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड एंड अ ब्यूटीफुल बीच विथ वेरी वैरायटी ऑफ स्टोन्स एंड सैंड। एक नंबर लग रहा है, एक नंबर।
पूरा गांव के बीच में एक बसा हुआ है, मतलब उसके बाजू में देखिए पूरा गांव बसा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। दिघी बीच मुंबई से कम अराउंड 250 किलोमीटर है श्रीवर्धन के यहाँ पे। अभी जस्ट आते आते मैंने मुरुड जंजीरा किला भी देखा, पर भाई वहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सका इसलिए आपको बता नहीं सका, बट ज़रूर अगर मुझे जाते वक्त वक्त मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। टिल द टाइम जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। और ये सारे मेरे दोस्त लोग, दोस्तों तो अब बस इसी के साथ में मैं मेरा वीडियो भी ख़त्म करूंगा। पर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिया है उसे प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ऐसे लाते रहूँगा। बाय।